हेलो फ्रेंड्स, आई एम जगदीश। आज मार्केट में जो है बहुत ही अच्छा मूवमेंट आया था, जिसमें आपको निफ्टी बैंक 4%, निफ्टी 2% जबरदस्त मूव थी। इस मूव के पीछे क्या रीजन था, इसका एनालिसिस करेंगे। कौन कौन से स्टॉक है जो मार्केट के साथ या कोई अपना यूनिक मूव दे रहे हैं, कहाँ पर ब्रेकआउट हो रही है, कहाँ पैसा बनने की अपॉर्चुनिटी, कहाँ कहाँ पैसा बन रहा है, सब पर डिस्कस करेंगे। यदि आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपको ओवरऑल जो है मालूम चल जाएगा मार्केट में कहाँ मूवमेंट हो रही है और इसके साथ साथ जो है आगे कहाँ पैसा बन सकता है, सब पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज जो है एचडीएफसी डे था, तो आज दोनों स्टॉक एचडीएफसी एचडी बैंक दोनों की जो मर्जर के जो न्यूज जो है फ्लैश हुआ है, उसके कारण जो है एचडीएफसी 15%, एचडीएफसी बैंक 15% ऑलमोस्ट उसके आसपास जो है मूवमेंट दिया था, और इंट्राडे में पुल अप होके ऑलमोस्ट वो 10% के आसपास जो है क्लोज हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि ये एचडीएफसी का चार्ट है और ये एचडीएफसी बैंक का चार्ट, दोनों में काफी बुलिश मोमेंटम है और ये गैप ऑफ बुकिंग है, ये और ऊपर जा सकता है, अपने हाई की ओर जाने की कोशिश करेगा। तो ये जो शैडो बना है वो पूरा फिल फिल होगा कल, एक दो दिन में फिल हो सकता है। जब आप निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी जो है जिस तरह से हमने लास्ट वीडियो में एनालाइज किया था कि मार्केट जो मंथली चार्ट पे एक बुलिश इंगल्फिंग कर रहा है, पार्शियली बुलिश इंगल्फिंग कर रहा है, ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, ऐसे कंटिन्यू हो रहा है, वो ऑल टाइम हाई की ओर जा रहा है। तो निफ्टी जो है ये जो है अपने हाई की ओर जाने की कोशिश करेगा। तो निफ्टी में जो अपसाइड अभी जो है, निफ्टी यहाँ से अभी निफ्टी 18,053 पे ट्रेड कर रहा है, इसमें जो अपसाइड टारगेट 18,360, 18,500 तक लेवल जा सकते हैं, और इसमें 17,870 से लेकर 17,795 एक शॉर्ट टर्म के लिए सपोर्ट रखिए। तो मार्केट ओवर ट्रेंडिंग है, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। तो 18,500 जो है अल्टीमेट टारगेट है, यहाँ तो जाने की जरूरत को पहले ही अपने स्विंग हाई पर आने की कोशिश करेगा, जो कि 18,350 के आसपास है, उसके बाद 18,500। यदि आप बैंक निफ्टी से, बैंक निफ्टी में भी आपको देखेगा कि मंथ के चार्ट पे आपको ये इसने हैमर बनाया था, इसको हमने एनालाइज किया था, फिर वो इसका फॉलो अप जो है बाइंग आ रही है और वो भी अपने हाई की ओर जा रहा है। डेली के चार्ट पे देखेंगे तो आपको हायर टॉप हायर बन रहा है, तो मुझे लगता है कल भी जो है गैप अप खुलेगा। तो बैंक निफ्टी में यदि आप ट्रेड कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी में जो है, बैंक निफ्टी अभी 38,365 पे, 38,635 पर क्लोज किया है, इसमें अपसाइड 39,000 से 40,000 के आसपास का लेवल है अपसाइड का, और शॉर्ट टर्म के लिए सपोर्ट 37,975 एंड 3665 जो है एक सपोर्ट एरिया है, जहां से रिबाउंड करता है तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटजी रहेगी। तो निफ्टी बैंक दोनों बुलिश है। तो ग्लोबल मार्केट में भी जो आज टेक्नोलॉजिकल शेयर जो काफी चले थे, आज न्यूज आया था कि ये टेस्ला ने जो है, टेस्ला ने अपने जो शेयर होल्डिंग पैटर्न डिक्लेयर किया, उसमें जो है तो इनका जो है ट्विटर में जो है सबसे ज्यादा स्टेक पाया गया है, ट्विटर के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा गया है कि टेस्ला का जो है 9.2% स्टेक इन कंपनी है। तो आज आज जो है ट्विटर 24% पर गया, ट्विटर का चार्ट है ये, तो काफी बुलिश है। तो सारे टेक्नोलॉजी शेयर जो है बुलिश मोमेंटम दिखा रहे हैं। तो आज अपने इंडिया में भी टेक्नोलॉजी शेयर, नाइका है जो आप देख रहे हैं, नाइका ने भी एक अपमूव दिखा रहा है, तो नाइका भी जब ट्रेंडिंग है ये भी ऊपर जाने की चाल दिखा रहा है। तो इसमें पेटीएम, नायका, पॉलिसी बाजार और इसमें जो है जोमेटो, इसमें सबसे अच्छा जो है बुलिश चार्ट जो है आपका नायका का दिख रहा है। और कहाँ कहाँ पैसा बन रहा है, तो अभी जो है ईज़मेट ट्रिप में जो है आज स्टॉक ने 8% का मूव दिया था। ईज़मेट ट्रिप को देख सकते हैं, ईज़मेट ट्रिप को हमने पहले हमने रिकमेंड भी किया था, हम स्टॉक को रिकमेंड करते आ रहे हैं, 341 से रिकमेंड करना स्टार्ट किया था, तो अभी आपको वो आपको 367 तक, 376 तक उसने हाई लगाया है, इससे ऊपर गया था, जिसमें हमने 410 से 440 तक का टारगेट दिए हुए, 355 का सपोर्ट फॉलो कीजिए। ईज मैट्रिक है, GASFC है, अदानी के शेयर्स, अदानी ग्रीन हो, अदानी गैस हो, तो अदानी के शेयर्स ने आज रिकॉर्ड दिया है। अदानी टोटल गैस ETGL जो है उसने ब्रेकआउट, सो कंटिन्यूशन में है, और अदानी जो है, अदानी इंटरप्राइजेस जो है उसने जो है, अदानी ग्रीन, सॉरी अदानी ग्रीन जो है उसने भी ब्रेकआउट दिया है, स्टॉक चल रहा है, एक एक मारो जो है क्लोजिंग मारो जो है तो ऊपर जाएगा। ये तो हमने इस पे रिकमेंड भी किया होगा, हमने अदानी की पे जो है हमने 226 जो से 2355 टारगेट दिए हुए हैं। हाईएस्ट ट्रेंडिंग है, IRCTC ने आज जो है आज ब्रेकआउट दिया है, IRCTC, तो IRCTC पे नजर रखिए आप।
ये सब स्टॉक हैं जहाँ ये ट्रेडिंग के लिए भी अच्छे हैं और इन्वेस्टिंग के लिए अच्छे हैं। तो डेली टाइम का सुपर टेन ने भी अप दिया है, ये सब स्टॉक है जहाँ पैसा बन सकता है, आप इसको ध्यान रखिए। ठीक है, इसके बाद जो है HDFC का हमने बता दिया, HDFC ऐसे बैंक मर्जर हो रहा है, तो इसमें बताया जा रहा है कि बैंकिंग इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन हो रहा है, और इसमें जो है तो ये जो है HDFC बैंक में जो है रेवेन्यू में डाइवर्सिफाई करेगा रेवेन्यू, तो ये एक अच्छी बात है। मार्केट ने तो इसके मर्जर की न्यूज को लाइक किया है, और अभी भी जो है इसमें 15% का अपसाइड देखा जा रहा है, और ये जो है रेगुलेटरी अप्रूवल जो है उसको जो है 15 से 18 महीने लग सकते हैं। तो आज इस तरह से मार्केट मूवमेंट था, तो हमने जो है हमने आज एक हमने एक टिप भी दिया था जिसमें आप यदि ऑप्शन को ट्रेड करते हैं, तो हमने आज हमने एक निफ्टी में दिया था, तो निफ्टी में हमने 370 पे हमने पिंग किया था कि आप ले लीजिए। हमने जो है निफ्टी को 17,900 कॉल बताया था, मंथली कॉन्ट्रैक्ट 375 को रिकमेंड किया था, 425 का टारगेट दिया था। तो ये जो है ये लेवल क्रॉस कर गया, देखेंगे तो ये लेवल जो है इसने क्रॉस करके 439 तक आ लगाया, तो आप इसको देख सकते हैं कि जो है उसने किस तरह से मूवमेंट दिखाया। तो इसने हाई लगाया, आज 450 तक हाई लगाया था, लेकिन जो आपने बताया था वहां से स्टॉक जो है वो आपको 438 441 441 तक हाई लगाया इसने। उसके बाद हमने उसके साथ साथ जो है निफ्टी के साथ साथ हमने बैंक निफ्टी बताया था, आज दोनों जो है कॉन्ट्रैक्ट चले थे, तो इसमें जो है बैंक निफ्टी आपका 1085 से इसने हाई 1200 तक लगाया था, तो हमने 1225 तक टारगेट दिया था, तो उसको उसके ऊपर भी गया था, 1228 के आसपास गया था, उसको भी हम देख लेते हैं कितना ऊपर गया। तो इसने जो क्लोजिंग टाइम पे जो हाई लगाया था वो 1228 का हाई लगाया था, ये दोनों लेवल जो है निफ्टी बैंक निफ्टी के चले। तो इस तरह के रिकमेंडेशंस के लिए आप हमारे फंड फ्यूचर का सर्विस ले सकते हैं, जिसमें स्टॉक इंडेक्स ऑप्शन सबका आपको सर्विस मिलेगा, सारा लिंक आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस तरह के स्टॉक रिकमेंडेशंस के लिए आप हमारे टेलीग्राम जगदीश स्टॉक क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ट्विटर फॉलो कर, जगदीश एपीएस के नाम से रहता है। तो ये जो हम बता रहे हैं ऐसे जो है काफी लोग बेनिफिट ले रहे हैं, आप इसको आप टेलीग्राम पे भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से लोगों ने पैसा बनाया है, उन्होंने जो है 27,000 बनाया है, उन्होंने 1,500 बनाया है, जिन्होंने जो है वो 1,300 रुपये बनाया है, जिन्हें 13,000 रुपये बनाया है, इसके बाद जो है 10,000 बनाया है पैसा, इस तरह के जो है प्रॉफिट आते हैं। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो एक जन ने 6.992 लाख का ही प्रॉफिट बनाया है, ये फ्यू थाउजेंड है, 12,000 है, सब आज का ये 25,000 है। इस तरह से लोग जो है हमें फीडबैक देते हैं, काफी इंकरेजिंग रहता है। तो यदि आप भी सीख लेते हैं आप भी आपके पास भी एक इजाज़त रहेगा, तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, वहाँ पे हमारी क्लासेस की डिटेल रहती है, आपको टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस फ्यूचर ऑप्शन की क्लासेस रहती है, आप वहाँ पर करके अपनी जो है प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। आप हमारे क्लासेस का जो है रिव्यू भी आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, जल्दी से स्टॉक क्लासेस करते हैं सर्च कीजिए, वहाँ पर रिव्यू मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा, कौन सा स्टॉक आप लेने वाले हैं जरूर आप बताइए, कौन सा आपको अच्छा लग रहा है, कौन जो जो हमने स्टॉक बताया है इसमें से कौन सा स्टॉक आपको पसंद आ रहा है, कौन सा स्टॉक लेने वाला है जरूर बताइए। कहीं भी आप स्टक करके हैं, किसी और स्टॉक पर स्टक करके हैं, जो भी कमेंट कीजिए, जिसमें हम आपको एनालिसिस शेयर कर देंगे। चलिए, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग, बने रहिए।